जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे, और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज आपके ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है आपके लिए। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, आप उन्हीं की तरफ से इस मैसेज को समझिए, ओके। जिनका भी आप नाम जप करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। अगर आप तक ये वीडियो आया है, आप इस वीडियो तक आए हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके ईष्ट का ज़रूर है, ओके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली ही स्लिप यहाँ पे आपकी आई है, और वो गणेश जी की आई है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म में कोई भी काम किया जाता है उसमें गणेश जी को सबसे पहले याद किया जाता है। आज गणेश जी स्वयं यहाँ पे आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए, और साथ में आपको ये भी कहना चाहते हैं आपके ईश्वर, आप जिनको भी मानते हैं, कि आप जो भी काम शुरू करें ना, उसमें सबसे पहले आप अपने गुरुदेव को और गणेश जी को ज़रूर याद करें, ओके। उन्हें आप सबसे पहले प्रणाम करें, उन्हें बुलाएं, ताकि आपके उस काम में कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, ओके। और जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे गणेश जी का आशीर्वाद मिल रहा है, और साथ में यहाँ पे गणेश जी और शिव जी का आशीर्वाद यहाँ पे मिल रहा है। और साथ में आपके लिए गाइडेंस है कि आप गणेश जी या शिव जी की, आप दोनों की अगर कोई पूजा आराधना जो व्यूअर्स करना चाहते हैं, या आपके मन में ऐसा थॉट आ रहा है कि आपको करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, या गणेश जी के लिए आपको कोई थॉट आ रहा है, तो वो ज़रूर कीजिए। वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, ओके। और साथ में एक और गाइडेंस है कि इस वक्त आपको अपने दान पुण्य करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे पशु पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ दान कीजिए, उन्हें भोजन की दीजिए, ठीक है, पक्षियों को दाना डालिए, या आप अगर आप कौओं को जो गाठिया होता है ना, वो भी डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे मुझे इंट्यूशन यही आ रहा है कि आप ऐसा कुछ कीजिए जो पक्षियों को डालिए, उससे क्या होगा कि आपके कर्मा बैगेजेस तो है ना जो है वो रिलीज़ होंगे। और यहाँ पे अगर आपके आपके में आपके उसमें जन्म पत्रिका में कुंडली में अगर कोई शनि दोष है, तो वो भी यहाँ पे दूर होता है अगर आप यहाँ पे ये पक्षियों को दाना डालते हैं, इस तरीके का कोई काम करते हैं। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिए फ्रेंड्स, ओके। क्योंकि गाइडेंस जो होती है वो मैं नहीं देती हूँ, वो ईश्वर आपको डायरेक्टली देते हैं, जो आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, ठीक है। और नेक्स्ट स्लिप देखते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्लिप आई है, पुनि बंधउ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेक अविवेका। वाह, कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स है यहाँ पे आपको सरस्वती माँ की और गंगा जी की, गंगा माँ की ब्लेसिंग्स है। साथ में एक गाइडेंस है कि आपको यहाँ पे सरस्वती माँ का मंत्र चैंट करना चाहिए। अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट है, या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, या फिर तीसरी एनर्जी है कि आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, और आप यहाँ पे को थ्रोट चक्र पर वर्क करने की ज़रूरत है, आप सरस्वती माँ का मंत्र चैंट कीजिए, ठीक है। जिनके लिए भी जो स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, आपका फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन आपका थोड़ा सा कम हो रहा है इस वक्त, तो यहाँ पे आप सरस्वती माँ का कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, ओके। और उस मंत्र का चैंट आप ज़रूर कीजिए, उससे आपको यहाँ पे आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा भी हील होगा। और जो व्यूअर्स यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, उनको ये विजुलाइज करते हुए करना है कि आपके पर्सन, आपके काउंटर पार्ट आपके साथ में है, और आप दोनों मिलकर ये कर रहे हैं, ओके। जब आप दोनों मिलकर करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट यहाँ पे आपको ज़रूर मिलता है। और जब यहाँ गंगा माँ आई हैं, तो आपकी आपकी सोल की प्योरिफिकेशन चल रही है, ओके। और साथ में यहाँ पे आपके जो पास्ट लाइफ के कर्माज है ना, वो रिलीज़ हो रहे हैं, ओके। ये बहुत रिसेंटली 2-3 रीडिंग्स में पास्ट लाइफ कर्मा रिलीजिंग के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने भी 444 देखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कलेक्टिव में पास्ट लाइफ कर्मा रिलीजिंग यहाँ पे चल रहा है, ओके। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, नेक्स्ट देखते हैं, ओके।
ओके नेक्स्ट क्लिप यहाँ पे आई है, परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधो, शंभु सरासन तोरी सठ कर सी हमार प्रबोधो। ओके तो ये देखिए ये इसकी एनर्जी मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आपको अपने एंगर इशू को हील करने की ज़रूरत है। जो भी व्यूअर्स इस वक्त अपने एंगर इशू से डील कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बात बात पर गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको फील होती है, तो इस एनर्जी को आपको हील करने की ज़रूरत है। आपको नहीं समझ में आता है तो अपने ईश्वर से कहिए, अपने इष्ट से कहिए कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकाले। आप उनसे कहिए कि मुझे तो नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन आप तो सब जानते हैं, तो मुझे कृपा करके इस एनर्जी से बाहर निकालिए। और आप इस इंटेंशन के साथ एक माला आप नाम जब भी अपने लिए करिए, या आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप अपने एक पेपर पे लिख दीजिए कि आपका जो इशू इस वक्त सरफेस पर आ रहा है एंगर इशू, तो एंगर इशू आपका हील हो गया है ऐसा आप पेपर पे लिखिए और उसे जला दीजिए और यूनिवर्स में सरेंडर कर दीजिए उसे। ओके ये आप प्रैक्टिस एटलीस्ट 21 डेज तक कीजिए। इस तरीके से आप जो भी इशू अपना हील करना चाहते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं। ओके लेकिन यहाँ पे आपको एंगर से बिल्कुल भी डील नहीं करना है, क्योंकि एंगर जो है ना आपको बार बार लो वाइब्रेशंस में लेके जा रहा है। आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ जैसे ही पहुँचते हैं यहाँ पे आपका एंगर इशू सरफेस पर आ जाता है और आप फिर से लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और नेक्स्ट स्लिप देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्लिप है, भक्तिहीन गुण सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। देखिए यहाँ पे इतना पॉजिटिव मैसेज, इतना प्यारा मैसेज है कि भक्ति के बिना ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो सकती है। ठीक है यहाँ पे सीधा सीधा मैसेज यही है। जो भी व्यूअर्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि भक्ति से नाम जप से कैसे किसी विश को पूरा किया जा सकता है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि भक्ति के बिना कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वैसे ही अधूरी है जैसे कि कोई भी, कितनी भी आप बहुत ही स्वादिष्ट आप कोई भी डिश बना लें, अगर उसमें नमक नहीं है, उसमें सॉल्ट नहीं है, तो वो बिल्कुल भी टेस्टलेस हो जाती है। ओके तो वही यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि भक्ति के बिना कोई सुख कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। आप अगर अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो भक्ति करनी ही होगी, और इस कलयुग में भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जो यहाँ पे आपको आपके जीवन में आपके इष्ट से आपके ईश्वर से जोड़ सकता है। ओके ये आपको करना ही होगा, इसमें आपको डाउट नहीं करना है इस बात पर। और उसके बाद उस धरी उमा प्राणपति चरणा जाई विपिन लागी तपु करना। वाओ देखिए यहाँ पे अब ये एनर्जी उनके लिए है जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, डिवाइन जर्नी में है, शिव शक्ति की जर्नी में है, और ये उन डिवाइन फेमिनेंस के लिए है जो यहाँ पे अभी तक एक सेपरेशन की फेज से यूँ कह सकते हैं गुजर रही थी, सोल शॉक के पीरियड से गुजर रही थी। अब उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और उन्होंने अब इनर वर्क करना शुरू किया है। ओके और ये जब आपने इनर वर्क शुरू किया है तो आपको यहाँ पे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, शिव शक्ति की अपार ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपके जीवन में आने वाली हैं। और जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है उनको शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाली हैं। अगर आपकी कोई विश थी, आपने कोई विश की थी, कोई इच्छा थी जो आपने कही थी अपने इष्ट से, तो वो यहाँ पे पूरी हो रही है शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स के द्वारा हो रही है, या आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा यहाँ पे आपकी वो विश पूरी हो रही है। और एक लास्ट मैसेज देखते हैं, श्याम सुर भी पे पे अति सॉरी। तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए मानस रीडिंग के थ्रू आपके लिए ईश्वर की बहुत ही प्यारी गाइडेंस, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको डाउट नहीं करना है भक्ति पर, अपनी भक्ति पर, अपने विश्वास पर आपको डाउट नहीं करना है। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ आपके ईश्वर की। जय श्री कृष्णा, जय मां काली, राधे राधे।